नाज़रीन, जमीयत उलमा ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर का आज इंतखाब हो गया है। इसमें सदर और जनरल सेक्रेटरी तो इत्तेफाक राय से बनाए गए हैं, तमाम नायब सदारत के लिए और खजांची के लिए चुनाव हुए हैं। मौके पर क्या हुआ है, सोशल इंडिया न्यूज़ के लिए हाफिज़ डॉक्टर साजिद साहब की खसूस रिपोर्ट है। मौके की हम दो तीन वीडियोज़ और तस्वीर पेश कर रहे हैं। 6 मार्च 2021 को मदरसा महमूदिया सरवट में जमीयत उलमा हिंद मुज़फ़्फ़रनगर का इंतखाब हुआ। इसमें इत्तेफाक राय से साबिक़ सदर मुफ्ती बिन्यामीन साहब को तीसरी मरतबा सदर चुन लिया गया, जबकि क़ारी ज़ाकिर साहब को जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर इत्तेफाक राय से चुन लिया गया है। दूसरी जानिब काज़िम की शक्ल में मौलाना आकिल साहब को इंतखाब किया गया है, जबकि नायब सदर के लिए मौलाना अरशद और मौलाना माज को चुनाव के दरमियान चुना गया है। इनके ऊपर वोटिंग हुई और पुरअमन तरीके से यहाँ मदरसा महमूदिया सरवट में जमीयत उलमा मुज़फ़्फ़रनगर का इंतखाब हो चुका है। लोगों ने अहदेदारान को मुबारकबाद दी है। इस कमरे के अंदर काउंटिंग जारी है। तमाम चारों कैंडिडेट अंदर मौजूद हैं और इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। नायब सदर के लिए इंतखाब हो रहा है। ये देखिए, नायब सदर के लिए इंतखाब की पर्ची, खाजिन के लिए भी, खाजिन और नायब सदर का इंतखाब की कार्रवाई जारी।